हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूँ कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। हम यानी कि किंगडम प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे। प्लांट के हमने अलग अलग डिवीजन यहाँ पे देखे थे, जिसमें हम एल्गी के बारे में स्टडी कर रहे थे। अभी तक आपने एल्गी के बारे में क्या जाना है? आपने एल्गी की जो बॉडी होती है उसके बेसिक फीचर्स के बारे में जाना है। हम बात कर रहे थे एल्गी में रिप्रोडक्शन की, जिसमें हमने कहा था कि जो एल्गी है उसमें तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन यहाँ पे पाए जा रहे हैं। मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का हमने कहा था, लैंगिक और अलैंगिक। तो यहाँ पे एल्गी में लैंगिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है, साथ ही हम कह रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, सो क्लास, हम बात कर रहे थे यहाँ पे एल्गी के बारे में। एल्गी के बेसिक फीचर्स आपने क्या क्या अभी तक जाने? आपने सबसे पहले जो हैबिटाट है, प्राकृतिक वास है एल्गी का, इसके बारे में स्टडी किया, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के एल्गी देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि एल्गी ग्रो कहाँ कहाँ पे होते हैं, उसके आधार पर हमने अलग अलग प्रकार के एल्गी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमने बात की है प्लांट बॉडी की, जो एल्गी है उसकी बॉडी कैसी होती है, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, वो हमने यहाँ पे जाना। साथ ही आपने जाना न्यूट्रिशन किस प्रकार का पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने क्या देखा कि जो एल्गी है उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, स्वपोषी पोषण पाया जाता है। चलिए, अब यहाँ पे आपको एल्गी के अलग अलग प्रकार की इमेज दिखाई गई है। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो क्या बात हमने की थी, हमने कहा था क्या होते हैं, हमारे पास रेड एल्गी आती है, ब्राउन एल्गी आती है और ग्रीन एल्गी आती है। तीन प्रकार की एल्गी हमारे पास आती है, ठीक है। तो अलग अलग जो एल्गी है उसके आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। सबसे पहले आपको रेड एल्गी दिखाई गई है, फिर ब्राउन एल्गी दिखाई गई है और फिर ग्रीन एल्गी यहाँ पे दिखाई गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो हमने जब कल रिप्रोडक्शन की बात की थी, क्या बात की थी, और हमने कहा था मेनली क्या होता है, दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें हमने क्या बात की थी, हमने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, और दूसरा टाइप हमारे पास क्या आया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि लैंगिक जनन। इतनी बात क्लियर है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जाना था कि यहाँ पे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या डिफरेंस है। बेसिक सा डिफरेंस आपने जाना, आपने कहा हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, अलैंगिक जनन में एक ही जनक यहाँ पे शामिल है, जबकि लैंगिक जनन में दो जनक यहाँ पे शामिल हैं। अलैंगिक जनन में गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि युग्मक का निर्माण हो रहा है। अलैंगिक जनन में क्या हो रहा है, यहाँ पे युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या है, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होगा, लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होगा। इतनी बात क्लियर है, क्या हमने कहा, हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, युग्मक निर्माण नहीं होगा। ठीक है, वही लैंगिक जनन में क्या है, युग्मक निर्माण हो रहा है, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। और साथ ही क्या होते हैं, दो जनक यहाँ पे शामिल होते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि जहां पे गैमिट बने हैं वहां पे गैमिट का फ्यूजन भी होगा, और गैमिट के फ्यूजन को हमने क्या कहा था,
फर्टिलाइजेशन कहा था, ठीक है। क्या कहा हमने? कहा कि जहां पे युग्मक बन रहे हैं वहां पे युग्मक का संलयन भी होगा, और युग्मक के संलयन को ही हम क्या कह रहे हैं? निषेचन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन में क्या होता है? निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अगर अलैंगिक जनन में युग्मक बन ही नहीं रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? जब युग्मक नहीं बनेंगे तो संलयन नहीं होगा, संलयन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ना है? अब एल्गी में देखना है कि किस किस प्रकार का यहाँ पे रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने कहा एक और प्रकार की हम बात करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कल बेसिक सा डिफरेंस देखा था। क्या वो डिफरेंस था? देखिए, अब आपको ये पता है कि युग्मक निर्माण यहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे? यहाँ पे युग्मक निर्माण नहीं हो रहा है। कहाँ पे फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं है? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, जो रिप्रोडक्शन है उसके अलग अलग प्रकार की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। हमने कहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जब हमने बात की तो क्या पाया जाता है? फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, क्या हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस हो रही है। क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में? विखंडन होता है। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। कोई भी चीज है वो अलग अलग भागों में टूट गई है, हमने कहा विखंडित हो गई है, यानी कि विखंडन हो गया है, अलग अलग पार्ट में टूट गया है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? स्पाइरोगायरा का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, और हमने कहा कि इसमें क्या है? विखंडन हुआ और ये दो अलग अलग पार्ट में यहाँ पे टूट गया है, ठीक है। आगे जाके ये क्या हुए? मैच्योर हो गए हैं, मैच्योर हुए, और मैच्योर होके फिर से इनमें फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होगी। तो इसी प्रकार से ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन हमने क्या कहा था कि अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करना, ठीक है। हमने क्या कहा था कि अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करना, न्यू इंडिविजुअल को यहाँ पे क्या करना? जन्म देना, जो कि क्या है? सेम पेरेंट जैसा है। तो यहाँ पे हो रहा है क्या? हो रहा है एक जो फ्रेगमेंटेशन हो रही है, जो यहाँ पे पेरेंट स्पाइरोगायरा है, पेरेंट स्पाइरोगायरा में क्या हो रहा है? विखंडन हुआ और नए यहाँ पे क्या बने? डॉटर सेल बने। दोनों क्या है यहाँ पे? हमने कहा डॉटर सेल है। अब जो डॉटर सेल हैं वो सेम कैसे हमें दिखाई दे रहे हैं? हमने कहा कि सेम यहाँ पे पेरेंट स्पाइरोगायरा जैसे दिखाई दे रहे हैं। और कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यहाँ पे ना ही क्या बना? गैमेट बना है, ना ही फर्टिलाइजेशन हुआ है, सिंपली यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस हुई। तो क्या हुआ? कम समय लगा। किसमें? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या लग रहा है? कम समय लगा, लेस टाइम है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को आपने समझ लिया है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में क्या होता है? यहाँ पे स्पोर बनते हैं। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं? एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और एग्जाम्पल हमने क्या कहा? हमने कहा इसका एग्जाम्पल क्या आते हैं? जू स्पोर आते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल हमारे पास किसका आता है? क्लेमाइडोमोनास का आता है। क्लेमाइडोमोनास का नाम ऐसा नहीं है, क्लेमाइडोमोनास का नाम ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं सुना है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं, और जब हमने बात की थी यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एल्गी की, इसकी क्लेमाइडोमोनास के बारे में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? हमने क्या कहा कि जब आपने बात की थी किसकी? यूनिसेलुलर एल्गी की, और किसमें? इसमें क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो हमने क्या की थी? क्लेमाइडोमोनास की बात की थी। चलिए, तो यही जो क्लेमाइडोमोनास है इसमें क्या पाए जाते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? देखिए, आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? क्लेमाइडोमोनास का जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है। ये ऊपर आपको जो डंडियां दिखाई दे रही हैं, क्या है ये? ठीक
ठीक है, ये आपको जो डंडियां दिखाई दे रही, क्या है ये? फ्लैजला है। ये क्या है? यहाँ पे फ्लैजला है, क्लेमाइडोमोनास आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्लेमाइडोमोनास है इसके फ्लैजला रिमूव हो जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुए, रिमूव हो जाएंगे। अब जब रिमूव हो जाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पे जो फ्लैजला है उसमें माइटोसिस होती है। ठीक है, क्या होगी? माइटोसिस होगी, और माइटोसिस के द्वारा ये क्या बनाएंगे, स्पोर्स यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने कहा माइटोसिस होगी, क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, और इन स्पोर्स को क्या कहते हैं, जू स्पोर्स कहते हैं। अब जू स्पोर्स बनेंगे और ये जो स्पोर हैं उसके बाद क्या होंगे, यहाँ से ब्रस्ट हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आ जाएंगे तो इस प्रकार से क्या होंगे, हर एक स्पोर से यहाँ पे क्या है, क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही यहाँ पे है। क्यों यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं? हमने कहा सबसे पहले एक ही पेरेंट शामिल है, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन कोई भी इंक्लूड नहीं है, गैमिट का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, गैमिट का फ्यूजन यहाँ पे नहीं हुआ है। इतनी बात क्लियर है। आपने क्या देखा, आपने अभी तक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, जिसमें हमने कहा कि क्या बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। एग्जाम्पल है जू स्पोर, किसमें बनते हैं जू स्पोर, हमने कहा क्लेमाइडोमोनास में बनते हैं। क्या है क्लेमाइडोमोनास? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, और कैसी है, फ्लैजुलेटेड है, फ्लैजुला पाए जाते हैं इनमें। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे हम सेम एग्जाम्पल लेंगे किसका, क्लेमाइडोमोनास का। सेम एग्जाम्पल लेंगे हम क्लेमाइडोमोनास का। तो आपने क्या समझा कि क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही जनन पाए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, सिंपली क्या है, फ्लैजला है, यहाँ पे दो फ्लैजला है। ठीक है, अब इन फ्लैजला ने एज अ गैमिट यहाँ पे क्या किया है, एज अ गैमिट फंक्शन किया है, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन के द्वारा यहाँ पे क्या बनता है, हमने कहा जाइगोट बनेगा। सिंपल सी बात है, क्या बनेगा यहाँ पे, जाइगोट बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जाइगोट यहाँ पे बना तो कैसा बनता है, आपको इतना भी पता होगा, 2n बनता है यहाँ पे जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट बना तो जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस होगी। क्या हुई, मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे क्या बनेंगे, आपको क्लेमाइडोमोनास यहाँ पे दिखाई देंगे। क्या हुआ, देखिए क्या डिफरेंस है यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक जनन में, क्या डिफरेंस हमें देखने को मिला। सबसे पहले आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमने अलैंगिक जनन में बात की है क्लेमाइडोमोनास की, हमने कहा एक ही क्लेमाइडोमोनास यहाँ पे इन्वॉल्व है, सिर्फ एक पेरेंट यहाँ पे है, ये जो है सिर्फ एक ही पेरेंट है। और जब हमने यहाँ पे बात की लैंगिक जनन की, हमने दो पेरेंट की बात की, नंबर वन पेरेंट ये है, नंबर टू पेरेंट ये है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यहाँ पे हो गया। फिर हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, जो क्लेमाइडोमोनास है वो एज अ गैमिट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जबकि एसेक्सुअल स्पोर्स जब बने हुए तो यहाँ पे क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सिंपली माइटोसिस की प्रोसेस हुई, स्पोर्स बने, स्पोर्स वहां पे फिर क्या हुए, रिलीज हुए, स्पोर्स धीरे धीरे करके उनमें क्या होगी, ग्रोथ उनकी हुई होगी, मेच्योरिटी उनमें आई होगी, और वो क्या है, एक जो फुली डेवलप क्लेमाइडोमोनास में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या हुआ, दो जो क्लेमाइडोमोनास है उनके बीच में फ्यूजन हुआ, जाइगोट यहाँ पे बना, मियोसिस की प्रोसेस होगी, और तब जाके यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास बनेंगे। कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, क्योंकि हैप्लॉइड क्यों थे, क्योंकि पेरेंट भी हैप्लॉइड थे। इतनी बात क्लियर है, आपने क्या समझा, तीनों प्रकार के यहाँ पे क्या देखे, आपने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखी। अब इस इतने ही तक रिप्रोडक्शन नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जब आप बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में, तो जो लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं, गैमेट बनते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस, तीन प्रकार के गैमेट यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, तीनों प्रकार के गैमेट आपको ध्यान रखने हैं। उससे पहले देख लेते हैं हमारे पास रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हमें बताई गई हैं। इसके साथ ही आपको ये भी पता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कम समय लगता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब सबसे पहले आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जो
यहाँ पे प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी के किसी भी पार्ट से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। अगर हम अदर प्लांट्स की बात करें, हम हायर प्लांट्स की बात करें, आपने क्या देखा, आपने आलू को लिया, आलू में क्या होते हैं इस प्रकार से, ये हमारे पास आलू इस प्रकार से आ गया। आलू में क्या बनते हैं, यहाँ पे ट्यूबर्स बनते हैं इस प्रकार से, ठीक है। हम उन्हें काट के क्या करते हैं, मिट्टी में बोते हैं और नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। आपने यहाँ पे रोज गुलाब का पौधा देखा है, गुलाब के पौधे को हम क्या करते हैं, सिंपल सी उनकी टहनी काट देते हैं और मिट्टी में लगा देते हैं, और उसी से क्या होता है, नए जो रोज का प्लांट है वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने देखा है कि स्टेम से होता है, लीव से भी यहाँ पे होता है, तो अलग अलग बॉडी पार्ट से क्या हो रहा है, यहाँ पे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको इतना ध्यान देखना है, वेजिटेटिव पार्ट से यहाँ पे नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट से नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर जब आप हायर प्लांट्स की बात करेंगे, आप दो प्रकार के पार्ट्स की बात करेंगे, आप बात करेंगे पेस्टिल की और स्टेमेन की, यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर, केसर दो भाग हमारे पास आते हैं। जब आप देखेंगे हायर प्लांट्स में कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट प्लांट के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। एल्गी क्या होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं, लेकिन जब आप बात करेंगे एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म की, उसमें हम जानेंगे कि जो प्लांट है, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट अलग होंगे और रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होते हैं। तो अगर प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंट टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपने पढ़े हैं वो है फिजन। आपने ये सारी चीजें आपके लिए नई नहीं है, आपने पहले भी ये पढ़ चुके हैं और बहुत बार आपने देखा है। फिजन क्या एग्जाम्पल होता है, अमीबा में हम लोग देखते हैं फिजन, हमने कहा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, जिसका हमने अभी एग्जाम्पल लिया, किसमें पाया जाता है, स्पाइरोकार्या में पाया जाता है। हमने कहा बडिंग किसमें पाया जाता है, हमने कहा हाइड्रा में पाया जाता है, ट्यूबर्स, ठीक है। आपको क्या करने, होमवर्क आपके लिए क्या है, आपने इन सब के क्या लिखने हैं, एग्जाम्पल लिखने हैं। आपने देखना है फ्यूजन किसमें हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन किसमें हो रहा है, बडिंग किसमें हो रही है, ट्यूबर्स किसमें बन रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास किसके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। तो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास हेडिंग आती है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, ठीक है। इतना आपको पता है, अब आपको ये देखना है कि किस किस के द्वारा होता है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है विद जू स्पोर्स विद इन अ स्पोरेंजिया, ठीक है। जू स्पोर्स के द्वारा होता है, एप्टेनोस्पोर के द्वारा होता है, एकाइनिड के द्वारा होता है, हाइप्नोस्पोर के द्वारा होता है, एंडोस्पोर हो गया है, एक्सोस्पोर हो गया है, मोनोस्पोर हो गया है और एक्सोस्पोर हो गया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट में क्या बात की, हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया जा रहा है, क्या होता है यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। अब यहाँ पे क्या होते हैं, आपको इतना पता चल गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने किसका एग्जाम्पल देखा है, क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल देखा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो गैमेट है, गैमेट किस किस प्रकार से यहाँ पे बनते हैं, अलग अलग गैमेट की हमने बात की है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बात की, हमने कहा आइसोगैमी, हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइप्स ऑफ गैमेट की। तो हमने क्या कहा है, तीन प्रकार के हमारे पास गैमेट आते हैं, कौन कौन से आते हैं, पहला क्या होता है आइसोगैमस होता है, दूसरा होता है एन आइसोगैमस, ठीक है, और तीसरा होता है ऊगैमस। तीनों प्रकार के जो गैमेट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपके बुक में दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोगैमस का देखिए, यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के हम गैमेट्स को पढ़ रहे हैं, इसमें होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट है, हमने कहा जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है, उन
उनका साइज, उनके साइज के बेसिस पे हम अलग अलग प्रकार के गैमेट यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि उनके साइज के बेसिस पे या फिर वो कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, साइज और स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास तीन प्रकार के गैमेट आते हैं। कौन कौन से हैं? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। तो आइसोगैमस के बारे में आपको बताया जाता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट है वो एक जैसे होते हैं, लाइक आपने कहा जी, ठीक है। इनमें से क्या है, एक मेल गैमेट है और एक क्या है, फीमेल गैमेट है। ठीक है, क्या होता है आइसोगैमस में, जो दो गैमेट हैं वो एक जैसे होते हैं, जैसे कि दोनों आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। एनाइसोगैमस में क्या होता है कि जो मेल गैमेट है वो अलग होता है और फीमेल गैमेट यहाँ पे अलग होती है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या देखा, ये क्या है, फीमेल गैमेट है और ये क्या है, मेल गैमेट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। हमने कहा आइसोगैमस में क्या होगा, जो गैमेट्स हैं वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कहिए या आप शेप के बेसिस पे कहिए, सेम है। एनाइसोगैमस में हमने क्या कहा कि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग आइडेंटिफाई हो सकते हैं। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल को देखें तो हमने ह्यूमंस का एग्जाम्पल लिया था, हमने कहा था एक्स एक्स हम किससे डिनोट करते हैं, फीमेल गैमेट को डिनोट करते हैं, एक्स वाई से हम किससे डिनोट करते हैं, मेल को डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या है, गैमेट अलग से है यहाँ पे, इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऊगैमस की, तो ऊगैमस में यहाँ पे क्या होता है कि एक जो गैमेट है बहुत बड़ा होता है, ठीक है, शेप की बात की जाए, और एक जो गैमेट है वो छोटा होता है। अब आपको ये पता है कि ये क्या है, फीमेल गैमेट है और ये क्या है, मेल गैमेट है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और शेप भी डिफरेंट है, किसमें, ऊगैमस की बात हो रही है। तीनों प्रकार के गैमेट आपके पास आ गए हैं। हमने कहा आइसोगैमस में क्या है, दोनों गैमेट सेम दिखने में है, स्ट्रक्चर सेम है, शेप भी इनका सेम है। एनाइसोगैमस में हमने क्या बात की, दो जो गैमेट है उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है, स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, फीमेल गैमेट अलग है, मेल गैमेट अलग है। ऊगैमस में क्या हुआ कि यहाँ पे स्ट्रक्चर भी अलग है और शेप भी अलग है। जो फीमेल गैमेट है वो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, साइज में बड़ा दिखाई दे रहा है, और जो मेल गैमेट है वो साइज में कैसा है, छोटा है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास एग्जाम्पल भी आते हैं। आइसोगैमस का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास यूलोथ्रिक्स होता है, स्पाइरोगायरा है, ठीक है। क्या बात की, हमने कहा यूलोथ्रिक्स होता है, स्पाइरोगायरा है। आपके लिए ये भी होमवर्क है, आप क्या करेंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस का जो एग्जाम्पल है वो आप पढ़ के आएंगे। तो हमने कहा आइसोगैमस जो कंडीशन पाई जाती है यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है, स्पाइरोगायरा में होता है, एनाइसोगैमस किस में होता है, यूडोरिया में होता है, ठीक है। और अगर ऊगैमस की बात करें तो हमने कहा वॉलबॉक्स हो गया है, फ्यूकस हो गया, मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिए, बता दिए हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ नोट करना है, ठीक है। जब आप नोट्स बनाए रहे होंगे तो साथ में आप जैसे आइसोगैमस को आपने दिखाया, आप स्ट्रक्चर भी वहां पे बनाएंगे और साथ में आप एग्जाम्पल भी वहां पे लिखेंगे कि यहाँ पे क्या है, किस प्रकार की एल्गी में कौन सा यहाँ पे गैमेट पाए जा रहा है, ठीक है। तो यही सेम चीज हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको आइसोगैमस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। आइसोगैमी, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट। क्या आपको कहा गया है, मॉर्फोलॉजिकली यानी कि दिखने में सेम है, फिजियोलॉजिकली दोनों में क्या होंगे, वो गैमेट सेम होंगे, ठीक है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, आइसोगैमी कह रहे हैं। अब एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया, आपको कहा गया है जो फ्लैजिलेटेड एल्गी होती है जिनमें गैमेट सेम होते हैं, क्लेमाइडोमोनास आपके पास आ गया है, ठीक है। इतना आपको पता है क्लेमाइडोमोनास फ्लैजिलेटेड होता है, किस प्रकार के गैमेट्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं, आइसोगैमस यानी कि दोनों गैमेट सेम होंगे। और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड की बात की जाए तो हमने कहा स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा में भी कैसे गैमेट पाए जाते हैं, आइसोगैमी, दोनों गैमेट कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। नेक्स्ट हम बात करें एन आइसोगैमी की, तो हमने कहा फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। एन आइसोगैमी में क्या होगा, जो मॉर्फोलॉजी उनकी अलग होगी। अब आपने क्या देखा, आपने जब एन आइसोगैमी में देखा, आपने कहा एक इस प्रकार का है और एक इस प्रकार का है, ठीक है, अलग है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या होंगे, डिसिमिलर यहाँ पे होते हैं। चलिए, अब आपको कहा गया है मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स फ्यूजन अकर्स इन क्लेमाइडोमोनास एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स फ्यूजन अकर्स इन स्पाइरोगायरा।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लास्ट में आपको ऊ गैमी के बारे में बताया गया है। इट इज द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट दैट आर स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट एंड लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। ये सेम बात आपने तब भी पढ़ी होगी जब आप रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे थे, किसमें, ह्यूमंस में। आपने क्या कहा था, जो मेल गैमेट है कैसा होता है, यहाँ पे मोटाइल होता है, ठीक है, कैसा होगा, मोटाइल होता है। लेकिन यहाँ पे फीमेल गैमेट कैसे होती है, नॉन मोटाइल होती है। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमने कहा यहाँ पे क्या है, जब एग रिलीज हुआ तो एग फैलोपियन ट्यूब में कैसे पहुंचा, तो हमने कहा कि वहां पे क्या थी, फिमरी थी। फिमरी ने क्या किया, एग को रिसीव किया। फिर हमने कहा कि ठीक है, इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, हमने कहा ये इनफंडिबुलम है, ये एम्प्यूला है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट आता है वो स्थमस आता है। अब जो यहाँ पे एग है उसे क्या किया, यहाँ पे ये क्या है, फिमरी है। फिमरी ने जब इन्हें रिसीव किया तो यहाँ पे एग पहुंच गया। लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, हमने कहा एम्प्यूला वाले पोर्शन में होता है। तो एग यहाँ पे एम्प्यूला वाले पोर्शन में कैसे पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे सीलिया होते हैं और उन्हीं सीलिया से क्या होता है, जो एग है वो आगे की ओर पहुंचता है। तो बेसिकली होता है क्या है, जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होती है, ठीक है, और मेल गैमेट क्या होगा, यहाँ पे मोटाइल होता है। तो इतनी बात क्लियर है। चलिए, सो क्लास आज हमने पढ़ा एल्गी में रिप्रोडक्शन किस किस प्रकार से होता है। हर एक प्रकार को हमने समझा, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक चीज को रिवाइज करना है। साथ ही आपको जो टाइप्स ऑफ गैमेट बताए गए हैं वो सारे आपको लर्न करने हैं, उसके एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे लर्न करने हैं। सो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।